आप ऑलरेडी कोई सिर्फ बात आप प्लीज महोदय संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 भारत के इतिहास में आज का दिन मैं सबसे पहले लोकसभा में उन सभी लोगों को सभी दलों को बधाई देता हूं जिन्होंने एक स्वर से इस विधेयक को पारित किया और उसी भावना के साथ मैं राज्यसभा में भी उन करोड़ों लोगों की आवाज अलकम अलकम जो वर्षों से इस बात के इंतजार में थे कि कब हमारा सपना पूरा होगा, आज राज्यसभा में भी एक मत से सभी इस विधेयक को पारित करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पढ़ा करते थे, जब हम कॉलेज और स्कूल में थे, तब ये सुना करते थे, लोग कहते थे, लोग दुखी होकर कहते थे, हमारे विद्यार्थी दोस्त कहते थे कि आखिर कब होगा हमारा भला, हमारे नाम पर भी कभी कोई आरक्षण होगा। और ये सुनते सुनते वर्षों हो गए, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी भारत के उस ऐतिहासिक पुरुष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने करोड़ों लोगों की भावना को देखते हुए इस विधेयक को पारित करने के लिए सदन में लाए। जो लोग देश की भावना नहीं समझते, जो लोग देश की भावना नहीं समझते, वो उसी तरह वो बेल में आते हैं, वो विरोध करते हैं। अगर कांग्रेस में दम है तो कहे कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, क्या वो कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लोकसभा में समर्थन करते हैं और यहाँ यहाँ पर आकर विरोध करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, अगर ये चीज इस आरक्षण से भारत में एक नया इतिहास रचा गया है, भारत में बात कही गई है, हाउस इज एडजर्न टिल 2 PM, हाउस इज एडजर्न टिल 2 PM।